हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी राहुल चारसी। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सारे भाई बढ़िया होंगे। तो गाइस, टाइम हो रहा है शाम के 6 और मैं छत पे हूँ दुकान से आया था रेस्ट लेने के लिए। तो सामने से भाभी देख रही है क्या कर रहा है टीचर्स घर में। तो भाई मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कोई देखता है मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। जब कुछ टाइम बाद सबको पता चल जाएगा कि राहुल चारसी ब्लॉगर है और कोई दिक्कत नहीं होगी, सब सोचेंगे भाई राहुल मेहनत कर रहा है। अभी सोचते राहुल पागल हो गया है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रगल एंड सक्सेस। गैस पता नहीं कुत्ता ना लिटरली मेरे को देख के इतना घुरा रहा है, जब भी मुझे देख रहा है घुरा जाता है। देखना आप ले। पता नहीं मैंने इसका क्या बिगाड़ दिया है, जब भी मेरे को देख रहा है घुरा रहा है, नीचे पहुंचा तो काटने को वगैरह है। इसको कुछ गलत फहमी होगी, ऐसे दोस्ती की नहीं पड़ेगी। वो चेक कराता हूँ, देखना अब नहीं घुरा रहा, अब नहीं घुरा रहा। द नेक्स्ट डे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? मेरा नाम राहुल चहार, RSC। सो दोस्तों, मैं आया था खेत पे और अपने बाग पे जा रहा था, तो मैं सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूँ। गैस पता है मैं बहुत बार ब्लॉग्स स्किप करने की सोची है, बट मैं कर नहीं पाता हूँ बिकॉज मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया था, 100 days 100 ब्लॉग्स, यानी 100 दिन में मैं 100 ब्लॉग्स डालूंगा, यानी 3 महीने लगातार ब्लॉगिंग करूंगा, एक भी दिन स्किप नहीं करूंगा। जो भाई मेरे 75 डेज हो चुके हैं, 75 डेज से हम ब्लॉग्स डाल रहे हैं, 75 डेज हमने एक भी ब्लॉग स्किप नहीं किया है, टोटल ब्लॉग्स आए हैं। तो मैं सोचा 25 ब्लॉग्स और रह गए हैं, इनको भी कंप्लीट कर देता हूँ। इससे ये होगा हमारे अंदर एक रेगुलरिटी आएगी और रेगुलरिटी के बहुत सारे फायदे हैं। एक बार हम यूट्यूब पे रेगुलर होगी ना, फिर हम कंटेंट ढूंढने निकला करेंगे, तो मन में ये रही कि हाँ हम ब्लॉग्स डाल सकते हैं। और मेन चीज़ हमें एक शूटिंग करने की, मान लो हम कहीं पैसा खर्च करके बाहर गए, वहाँ पर हम ब्लॉग शूट करके लाए वो टट्टी निकला, तो क्या फ़ायदा निकल रहा है। तो अब प्रैक्टिस हो रही है अच्छे से, यानी कैमरा पकड़ने की स्किल्स, बोलने की स्किल्स, आवाज़ कैसी आनी है, वीरोल कैसे लेनी है, सिनेमेटिक कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ 100 डेज में। उसके बाद हम अपनी वीडियोस को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड मींस जैसे हम बिजनेस करने के बाद, जैसे कोई रेस्ट पे जाते हैं तो कहीं घूमने निकला करेंगे, जैसे हफ्ते दो हफ्ते बाद, एक महीने बाद, बीच बीच में जैसे फ्री टाइम मिलेगा तो प्रैंक्स क्या करेंगे, चैलेंजेस लिया करेंगे कि ये चैलेंज और फलाना ये, तो ऐसे के बहुत सारे कंटेंट बेस्ड ब्लॉगिंग आएंगी। तो बस वो 100 ब्लॉग्स के बाद डालूंगा वो सीरीज़, बट अभी के लिए ये डेली ब्लॉग्स चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लाइफ स्टाइल कैसी। 100 डेज में ये है कि मैं एक दुकान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बन जाएगी, तो फिर मेरे को और काम करने के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर पैसा कमाओ खर्च करो कोई दिक्कत नहीं है, यानी सेव भी करते जाएंगे पैसा भी कमाते जाएंगे, ज़्यादा पैसा कमेगा उससे, यानी कुछ बड़ा कर रहा हूँ तो उससे ज़्यादा पैसा कमेगा, तो फिर वो ज़्यादा पैसा है ना हम थोड़ा बहुत यूट्यूब पे स्पेंड करेंगे, जैसे कि गुड क्वालिटी ऑफ वीडियोस आए। मैं कह रहा हूँ अगर मैं अब उन वीडियोस बनाने लग गया तो फालतू में खमाखम पैसा खर्च हो जाएगा, जितने कमा रहे हर मंथ उतने खर्च कर देंगे तो बढ़ेंगे कहाँ से। एक बार नॉर्मल से ज्यादा सेविंग होने लग जाएगी दुकान से, तो हम इन सारी चीजों प्रैक्टिकल करने लग जाएंगे। गाइस मैंने आज वाली वीडियो एडिट करके मैं चेक कर रहा था कि देखने में कैसी लग रही है, तो मैं चल जल्दी देख के जा रहा था इसे करके, और मैं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ पे पहुंच गया और हमारा खेत वहां पर रह गया, मैं यहाँ पे आ गया चलते चलते, मुझे ध्यान भी नहीं है, लिटरली मैं इतनी दूर आ गया हूँ। मैं कह रहा इतनी दूर कैसे आ गया मैं, पर मैंने क्या सबसे देख रहा हूँ 3-4 मिनट वीडियो एडिट हो गई थी, तो 3-4 मिनट में तो बहुत चल जाएंगे। वो वाला पेड़ दिख रहा, पेड़ वाला, वहाँ से चलते चलते आ रहा था और आधे सिंगेजे पे पहुँच गया। मैंने कहा यार मैं ही कहाँ पहुँच गया, मैंने यार मैं क्यों चल रहा हूँ, मैं वैसे टहल रहा था बट ही बहुत दूर आ गया मैं। गैस मुझे पता आप आज वाली वीडियो में बोर हो गए होंगे, बिकॉज यार आज मैंने क्या एक ही जगह दो तीन जगह, एक जगह घर पर शूट की थोड़ी तब, और आज खेत पर कर दी थोड़ी सी, और जब खेत ही खेत दिख रहा है आपको तो आप बोर हो जाते हो। आप मुझे डिफरेंट लोकेशन चाहिए, मैं समझता हूँ, बट ये कि मैं मजबूर हूँ यार, यार मेरे फैमिली मेम्बर सपोर्ट तो कर रहे थे बट बीच में एक जितेंद्र आ गए हमारे, पता नहीं बेफालतू में कहाँ से आए, पता नहीं नियम हंगामा मचा के फेंक दिया उनने, हमारे घर में इतना कलेश करवा के फेंक दिया उनने, कोई जवाब नहीं है, बेफालतू बात कर रहे हैं, बट कोई नहीं यार, स्ट्रगल टाइम में ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं यार, फैमिली मेम्बर्स की भी, जो भैया कह रहे हैं वो भी सहन करना पड़ेगा, बट जिस दिन सक्सेस मिलेगी ना ये सारे खड़े होकर ताली बजाएंगे। इंतजार है उस वक्त का जब घूमूंगा मैं कार में, जो मुझे लेना है खुद के कमाई के आधार पे, बाजार में जो चीजें आज महंगी है मुझसे फार है, पनौती चुनौती बन के मुझ पे सवार है, दीवार ही दीवार है, दरार ही दरार है, कामयाबी फरार है, हाँ सब कुछ बेकार है, जिंदगी में हर एक चीज में मेरे दिक्कत है, बैटिंग करने मिलती है तो पहले बॉल पे विकेट।